नमस्कार, मैं वर्षा और मैं तन्वी। स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल मम्मी मेक्स यमी में। दोस्तों, सॉल्टेड और रोस्टेड पीनट्स तो हम सबकी ऑल टाइम फेवरेट है, खासकर जिसे रेत में सेक कर बनाया जाता है। अगर हम कहीं मार्केट जाते हैं और हमें रेत में सूखी हुई सॉल्टेड पीनट्स दिख जाती है तो हमारा खाने का मन जरूर होता है। तो आज मम्मी हमें बताएंगी कि आप किस तरह आसानी से और कुछ ही मिनटों में बिना रेत के गर्मा गर्म मार्केट जैसी सॉल्टेड पीनट्स तैयार कर सकते हैं। तो आइए मम्मी के साथ मिलकर बनाते हैं रोस्टेड पीनट्स। ये मैंने एक कप मूंगफली ली है। मूंगफली आप किसी भी तरह की ले सकते हैं, छोटी साइज की या बड़ी साइज की, जो भी आपके यहाँ हो वो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो उसी एक कप के नाप से मैंने ये पानी रखा हुआ है। पानी को उबालना नहीं है, बस ये पानी गर्म हो गया है, भाप निकलने लगी है, उतना ही गर्म करना है। उसमें ये एक टीस्पून नमक डाल रही हूँ। ये मैंने सेंधा नमक लिया है, आप कोई सा भी नमक ले सकते हैं। अब ये जो मूंगफली है वो इसमें डाल रही हूँ और गैस की आंच को बंद कर देंगे। इसको एक बार चला के और 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ऊपर चाहे तो कुछ वजन रख दें ताकि पानी गर्म बना रहे। ये 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको छान लेंगे ताकि पानी इसका निकल जाए। और जब तक इसका पानी निकलता है तब तक इसको सेकने के लिए यहाँ पे हम नमक को गर्म करने रख देते हैं। मैंने ये लोहे की कढ़ाई ली है, आप कोई भी मोटे तले वाली कढ़ाई ले सकते हैं। इसमें मैं ये 1 कप नमक ले रही हूँ। ये नमक मेरा यूज किया हुआ है। आप एक बार इसको यूज करने के बाद नमक को बार बार यूज कर सकते हैं। जब भी नमक ठंडा हो जाए अच्छी तरीके से तब आप उसको स्टोर करके रख लें। ये आप कुकर में केक वगैरह बनाते हैं उसमें भी इस नमक को यूज कर सकते हैं। तो ये नमक थोड़ा गर्म हो जाए फिर इसमें मूंगफली डालेंगे। ये इस तरीके से हाथ रख के नमक को चेक कर लेंगे कि गर्म हुआ है कि नहीं। नमक गर्म हो गया है, अब इसमें ये मूंगफली के दाने मिला देंगे। ये मूंगफली के दाने अभी गीले हैं, इसीलिए ये सारा नमक इसमें कोट हो जाएगा और जैसे जैसे मूंगफली सेकाती जाएगी उसमें से नमक फिर से अलग हो जाएगा। और अब हम गैस की आंच को धीमा कर देंगे। अब हमें एकदम धीमी आंच पे ही इस मूंगफली को सेकना है। ये मूंगफली के दाने सिकाते आ रहे हैं तो ये जो नमक चिपका हुआ था वो नमक भी अलग हो गया है। इसको हमें करीब 15 मिनट लगता है टोटल सेकने में और एकदम धीमी आंच पे ही इसको सेकना है। अब इसमें से कुछ दाने को ठंडा करके देख लेते हैं। ठंडा होने पर अगर इसके छिलके आसानी से अलग हो जाएंगे, ये हो रहे हैं देखिए, उसको मैं 1-2 मिनट और सेकूंगी, उसके बाद फिर गैस को बंद कर देंगे। इसको अभी और ठंडा होने देते हैं, तब तक धीमी आंच पे ही इसको सेकना है। देखिए इनके छिलके आसानी से अलग हो रहे हैं और ठंडा होने के बाद ये हल्के से गर्म है
और एकदम ठंडे होंगे तो और आसानी से इसके छिलके उतर जाएंगे। अब हम गैस की आंच को बंद कर देते हैं और इसको एक दो मिनट इसी में चला लेंगे। अब इसे हम छान लेते हैं ताकि नमक अलग हो जाए। ये छन्नी ली है, उसमें हम इसको डाल देंगे। प्लास्टिक की छन्नी का यूज नहीं करेंगे, गर्म रहने से वो खराब होने का डर रहता है। ये नमक हमारा अलग हो गया। जब ये नमक पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो इसको डिब्बे में स्टोर करके रख लूंगी। और ये मूंगफली भी हमारी तैयार है। अब ये थोड़ा ठंडा होगा तब एक बार उसको हल्के हाथ से ऐसे ही पोंछ लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी नमक छिलके पे लगा होगा वो निकल जाएगा। और एकदम ठंडी हो जाए उसके बाद ही हम इसको स्टोर करेंगे। फिर आप इसको छिलका निकाल के खाएं, छिलके सहित खाएं, कैसे भी खा सकते हैं। दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि आपको यह आसान और फटाफट सॉल्टेड पीनट बनाने का तरीका कैसा लगा। आप इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई करें और घर में और दोस्तों को जरूर खिलाएं। आई एम श्योर आपको तारीफें मिलेगी। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक करें। हम आपसे जल्दी मिलेंगे नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।